सब्सक्राइब कीजिए हैशटैग टेक्निकल गेमर हैशटैग पार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक और गेमिंग वीडियोस के लिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत एक फ्रेशर कमाल की वीडियो में। आप देख रहे हैं हैशटैग टेक्निकल गेमर हैशटैग पार्थ, मेरा नाम है पार्थ। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये वीडियो है टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जनवरी 2021 पे। जैसे कि आपको पता है वीडियो थोड़ी दो दिन लेट हो गई, 3rd of January को आ रही है, बट कोई बात नहीं, जनवरी मंथ का सबसे पहला स्मार्टफोन 5 तारीख को लॉन्च हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे तो देखिए पूरी लिस्ट ही लगी हुई है, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा शाओमी का Mi 10i इंडिया में लॉन्च होता दिखेगा, डेट भी आपको बताऊंगा। ये इंडिया के बाहर नोट 9 कुछ तो से लॉन्च हुआ है, बट इंडिया में 10i से लॉन्च होगा। 5 तारीख को इसका लॉन्च है, 5 जनवरी को। 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। अभी प्राइसिंग देखेंगे कैसी आती है, बट फोन तो अच्छा ही रहेगा भाई, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, तो प्राइस देखना है क्या आता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो लावा का एक नया फ़ोन आने वाला है दोस्तों, काफ़ी कुछ तो नया आपको देखने को मिलेगा इसमें, जो कि बिल्कुल नया होगा। द गेम इज़ अबाउट टू चेंज, अब दुनिया देखेगी, स्टे ट्यून्ड बोल रहा है लावा। तो कुछ तो चेंज या नई टेक्नोलॉजी कुछ तो डिफरेंट लाने वाला है लावा। 7 जनवरी को इसका भी लॉन्च कंफर्म लॉन्च होगा लावा का। 3rd नंबर पे बात करेंगे तो गैलेक्सी S21 सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी 2020 के एंडिंग में ही कि S21 आने वाला है। S सीरीज काफ़ी पॉपुलर हो गई, तो S21 जी हाँ ज़रूर आएगा, इसका भी लॉन्च हो जाएगा 2021 में। और S21 सीरीज़ में आपको 3 अलग प्रकार के S सीरीज़ के स्मार्टफोन दिख जाएंगे 21 में, प्रो मैक्स वगैरह ऐसे वैसे अलग देखने मिल जाएंगे। 4th नंबर पे बात करेंगे तो ओप्पो का रीनो 5 फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। रेनो 3-4 आपने देख लिया, 30,000 के रेंज में काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन था 33-34 में। अभी आपको रेनो 5 देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिख रहा है, फ्लैश कुछ तो ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों, 4, 2 नीचे, 2 ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा। क्या होता है अभी वो तो टाइम पे पता चलेगा, इसकी लॉन्च डेट नहीं पता पर आ जाएगा 21 में। 5वें नंबर पे बात करेंगे तो रियलमी X7 सीरीज, इसका भी लीक्स माधवसेठ ने सीधा डायरेक्ट ट्वीट कर दिया था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रियलमी X7। तो हाँ ज़रूर ये 2021 में रियलमी X7 आएगा। और आपको एक बात बता दो, रियलमी 8 भी आने वाला है, बट स्टार्टिंग में नहीं, तो आएगा एक तो एंड में, नहीं तो फिर बाद में आएगा। बट रियलमी X7 आपको 2021 में अभी देखने को मिल जाएगा रियलमी की साइड से। 6 नंबर पर बात करेंगे तो नोकिया का न्यू फ़ोन आएगा। अभी नोकिया का हाल तो थोड़ा हल्का था 2020 में, बट शायद हम इस साल देख पाएंगे नोकिया का एक नया फ़ोन, शायद 5.4 वगैरह, तो जो बाहरी लॉन्च हुआ है वही शायद आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में। तो अभी देखते हैं क्या होता है, स्टे ट्यून्ड रहिए। 7वें नंबर पे बात करेंगे तो गैलेक्सी M12 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके भी कुछ लीक्स और बातें शुरू हो गई थी 2020 के एंडिंग में ही, तो M12 ही नहीं बट M सीरीज़ में आपको और एक दो फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। 8वें नंबर पर बात करेंगे तो गैलेक्सी F62 F41 दोस्तों फ़ोन निकला था सैमसंग ने, चला काफ़ी, मतलब काफ़ी नाम हुआ उसका। तो F62, ये F41 का फोटो है, बट F62 फुल ऑन में आ जाएगा, हैशटैग फुल ऑन में आ जाएगा F62। तो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। सैमसंग की काफ़ी लिस्ट, मतलब दोस्तों 3-4 फ़ोन सैमसंग के दिए। 9th नंबर पर बात करेंगे तो पोको M3 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लीक्स भी लास्ट इसमें आए थे दिसंबर मंथ में, बट ये नहीं आया 2020 में, तो 2021 में शायद आपको पोको M3 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग पोको का भी वेट कर रहे हैं, जो कि MI का ही ब्रांड है। 10th नंबर बात करेंगे दोस्तों तो जियो ने 5G लाने का सोचा है 2021 हाफ में, तो शायद आपको जियो के साइड से एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन मिल जाएगा जो कि 5G रहेगा, ऐसे जियो ने कहा था, बट कब तक मिलता है देखेंगे। 11वें नंबर पे बात करेंगे तो माइक्रोमैक्स का नया फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2020 में इन वन नोट निकाले थे इन्होंने, काफ़ी कमाल के थे, अभी देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो दोस्तों बस इस वीडियो से इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले किसी और एक नए वीडियो में, वंदे मातरम।